नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागिला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज। जो नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। केडीएफ पार्क द्रोणासागर में चल रहे मधुमेह रोग निवारण शिविर का हुआ समापन। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के सहयोग से भारतीय योग संस्थान काशीपुर द्वारा केडीएफ पार्क द्रोणासागर में चल रहे मधुमेह रोग निवारण शिविर का रविवार को समापन हो गया। प्रशिक्षकों द्वारा सूत्र नेति, जल नेति व शरीर में सूक्ष्म रूप से स्थापित आज्ञा चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र समेत सभी चक्रों के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी गई। इस दौरान भारतीय योग संस्थान से योग प्रशिक्षक जय प्रकाश सिंगल ने लोगों को अलग अलग आसन सिखाकर योग अभ्यास कराया। वहां पर केडीएफ अध्यक्ष राजीव घई, हेमा भगत, सुखविंदर सिंह, राम तीरथ यादव, आरपी राय, डॉक्टर योगराज सिंह, किशन लाल आदि मौजूद रहे। अपने हरिद्वार से यहाँ था, ये आज 67 साल हो गए हैं और 500 रुपए की, 5,000 की नहीं, 5 लाख रुपए की नहीं, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी दे के समाट को गए हैं और एक पैसा किसी से लिया नहीं। और मैंने ये कहा था कि यहाँ के लिए करता साहब, हमारा नाम से चंदा मत मांगना, अपने नाम से मांगो। हमने 35 लाख रुपए लगवा कर ये योग भवन बनवाया है और ये योग भवन जो है आप ही लोगों का बनाया हुआ है, आप ही लोगों की देन है, आप ही लोगों का पैसा है। मेरा ये कहना है कि जितना पानी पियोगे उतना सुखी रहोगे। पानी ज्यादा से ज्यादा पियो और नेचर के साथ जुड़ो। जितना नेचर के साथ जुड़ोगे, जितना कुदरत का खाना खाओगे, जैसे अब अपना ये मुल्क जो है ऐसे नहीं कहलाता कि साहब सोने की चिड़िया है, फलाना दिमाग का। हमारे यहाँ कुछ ना कुछ होता है। खरबूजा तरबूज खत्म हुआ तो आम शुरू हो जाएगा, आम खत्म हुआ तो उसके बाद अमरूद शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। यहाँ नहीं कि सर्दी है तो एक ही फल मिलेगा, गर्मी है तो एक ही फल, ऐसा नहीं है। यहाँ हर चीज मिलती है। इसीलिए सूबे में मेरा ये कहना है, ये आप इसे पढ़ना और पढ़ के इसे बेटर। भारतीय योग संस्थान का ये किनारा है, जियो और जीवन दो, करो योग रहो निरोग। इस छोटे से सब में सब कुछ है, बिना करे कुछ नहीं होगा। जब तक आदमी स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि भगवान की पूजा नहीं कर सकता। यदि उसके शरीर में दर्द हो रहा है तो वो खाट पर बैठ कर या कुर्सी पर बैठ कर भी उसको नहीं कर सकता। इसलिए स्वास्थ्य हमारा बहुत जरूरी है और उसके लिए आज के युग में योग से उत्तम पंक्ति कोई नहीं है। आप बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। जहाँ मधुमेह का सवाल है, ये अकेली मधुमेह नहीं आती है, ये अपने साथ कई दोस्त हैं इसके। बीपी को लेकर आएगी, हार्ट को लेकर आएगी, आंखों में इनकी कमजोरी आ जाएगी, उंगलियों पर पैरों के उंगलियों में इनके सुन्नता आ जाएगी और जो है वो आदमी जो है अपनी जिंदगी से इतना दुखी हो जाता है कि वो चाहता है कि प्रभु मुझे बुला ले। और योग आप करेंगे तो योग का यही है, और हमारे देखने में भी आया है कि आदमी अंतिम समय तक, हमारे जो श्रद्धेय प्रकाश लाल जी थे जिन्होंने इसका श्री गणेश किया है, जिन्होंने ये सब बाग लगाया है, वो आज जैसे थोड़ा स्वस्थ हुए, शाम को भर्ती हुए और रात्रि में उनकी सांस पूरी होगी। और भी हमारे इसमें कार्य के अधिकारी हैं। यहाँ सम्मान की बात, ये संस्थान कुछ लेता नहीं है, देता ही है। लेता क्या है? आपकी सेवा की, जियो और दूसरे को भी जीवन दो। अब नजर डालते हैं काशीपुर के दिन भर की अन्य खबरों पर। चंपारण के घोड़ा हसन गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, चोरी के 8 मोबाइल बरामद। तीर्थ स्थल द्रोणासागर में एक मंदिर की छत पर मिला युवक का शव। माँ वैष्णो देवी जम्मू से दिव्य ज्योत काशीपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत और पुष्प वर्षा हुई। गैंगस्टर एक्ट का वारंट गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पुलिस और एसओजी की टीम ने चंपारण के घोड़ा हसन गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के 8 मोबाइल भी बरामद किए हैं। इस मामले में कुछ और आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। गुरु नानक कॉलोनी निवासी मनीष सिंधवानी ने बीती 6 मई को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पंत पार्क के पास उस मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर चोरों ने नए और पुराने 32 मोबाइल चोरी कर लिए थे। चोरी किए गए मोबाइलों की कीमत लगभग 4 लाख रुपए से अधिक बताई गई थी। एएसपी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए कोतवाल आशुतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। जांच के दौरान मोबाइल चोरी की वारदातों में पूर्वी चंपारण के घोड़ा हसन गैंग की संलिप्त प्रकाश में आई। वहीं टीम ने दबिश देकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से कुल 8 मोबाइल बरामद भी किए गए हैं। एएसपी ने बताया कि इस घटना में कुछ अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं।
तीर्थस्थल द्रोणासागर में एक मंदिर की छत पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची आईटीआई थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक नशे का आदि बताया जा रहा है। आईटीआई थाना पुलिस को रविवार की सुबह सूचना मिली कि द्रोणासागर में राधा कृष्ण मंदिर की छत पर एक युवक का शव पड़ा है। सूचना पर एसआई प्रकाश बिष्ट ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में ले लिया। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के अनुसार उसकी शिनाख्त जसपुर खुर्द निवासी चंदन झा पुत्र ओम प्रकाश झा के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि चंदन ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या की है। माँ वैष्णो देवी जम्मू से ढकिया गुलाब और काशीपुर के जय माँ भारती संस्था का एक बेड़ा माँ की दिव्य ज्योत लेकर आज काशीपुर पहुंचा। नगरवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर माँ की दिव्य ज्योत का स्वागत किया। वहीं माँ वैष्णो देवी के जयकारों और भजनों में कुछ भक्तों के द्वारा डांस भी किया गया। बेड़े का नेतृत्व करने वाले अरुण शर्मा और मयंक भारद्वाज ने बताया कि वह कार के माध्यम से 4 दिन में जम्मू से माँ वैष्णो देवी की दिव्य ज्योत लेकर काशीपुर आए हैं। नगर के कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के द्वारा ज्योत को रोककर दर्शन किए गए और आशीर्वाद प्राप्त किया गया। मैं दीपांशी शर्मा, मेरे पति मयंक भारद्वाज वैष्णो देवी से माँ की अखंड ज्योत लेने के लिए गए थे, जो सफलतापूर्वक हमारे घर पहुँच चुकी है। ये 4 लोग गए थे, मयंक भारद्वाज, अरुण शर्मा, महिपाल, ललित। ये 4 लोग माँ की अखंड ज्योत लेके आज सुबह हमारे घर ढकिया गुलाबों में प्रस्थान कर चुके हैं। जब माता की ज्योत आई है तो आप लोगों के द्वारा किस प्रकार से स्वागत किया गया? हमारे द्वारा बहुत खुशी, धूमधाम, नाच गाने से सब चीज़ों से बहुत अच्छा स्वागत किया गया माँ का, और बहुत खुश हैं सब लोग घर पे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा जनपद में ऑपरेशन प्रहार तथा ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत वारंटियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागी लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।